हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं खिचड़ी। ये हरी मिर्च, ये अदरक काट दिया है, ये लहसुन काट दिया है, इधर प्याज काट दिया है और इधर टमाटर काट दिया है। उधर खिचड़ी बनाने के लिए चावल और ये मिक्स दाल ये रख रखी है धो करके। कुकर में तेल रख दिया है गरम होने के लिए। अब थोड़ा देर गरम होने दूंगी तेल को। तेल गरम हो गया है, अब रख देती हूँ लहसुन। लहसुन भुनने के लिए रख दूंगी। अब रख देती हूँ प्याज, ये रख दिया है दोस्तों प्याज। अब थोड़ा प्याज को भी थोड़ी भुनने के लिए रहने दूंगी। प्याज भुन गया है, अब रख दूंगी टमाटर। अब रख दूंगी ये टमाटर और हरी मिर्च और अदरक, इनको मिला दूंगी। प्याज और ये टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन सब पक गए हैं। अब रख दूंगी चावल। अब रख दूंगी चावल। चावल रख दिए हैं, अब रख दूंगी मसाले। नमक रख दूंगी और थोड़ा हल्दी रख दूंगी और थोड़ा सा सब्जी मसाला रख दूंगी। अब मिला दूंगी। अब इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी। बस आप थोड़ा आप कुकर में ढक्कन लगा करके खिचड़ी को 15-20 मिनट तक पकने दूंगी। अब ये खिचड़ी बन करके बिल्कुल तैयार है। ये नींबू का अचार डाल दिया और आप डालेंगे थोड़ा सा ये घी। बस ये खिचड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी खिचड़ी वाली वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल ममता पहाड़ी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।